अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सफदर अली। रोमन बिजनेस सेंटर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि शूज़ का जो बिज़नेस है वो कैसा किया जाता है, शूज़ या चप्पल का इसका जो बिज़नेस है या कारोबार कैसे किया जाता है। आज हम फाइबर की शॉप पर मौजूद हैं, जिनके पास बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे मल्टीपल जो ब्रांड्स हैं शूज़ के, बहुत अच्छी क्वालिटी के और हाई क्वालिटी के पड़े हुए हैं। तो उस शॉप पे आज मौजूद हैं, तो उनसे आज कुछ सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे ये बिज़नेस स्टार्टिंग है ये जिसका उस पर सर्विस उनकी कौन कौन सी है, कौन कौन से उनके पास ब्रांड्स हैं, लेदर है या सिंपल शूज़ हैं, कौन कौन सी उसके पास वैरायटी है, और उनसे कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद ज़ाहिद। मोहम्मद ज़ाहिद, माशाल्लाह से। भाई आप बताएँ कि आपका इस काम में कितना एक्सपीरियंस हो गया, कितने अर्से से आप ये काम कर रहे हैं? जी मैं तकरीबन 9 साल से इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बताएं भाई कि अननोन बंदा जिसे पता नहीं है कारोबार क्या है, क्या कैसे किया जाता है या ये किस तरह का कारोबार है, तो उसके लिए आप क्या राय देंगे, क्या कहेंगे कि वो कितने पैसों से ये कर सकता है शुरू या वो करना चाहता है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है उसकी? देखिए, कारोबार कोई भी हो, इंसान को अपना कारोबार करना चाहिए, और इसमें अल्लाह पाक ने 9 दर्जे इसमें बस कर डाले, और कारोबार अपना हो तो इसमें काफ़ी सारा फायदा है। दो कंपनी से ना फ्रेंचाइजी देती है फिबा के नाम से। ठीक है, और आप पहले भी बताएं कि इस काम के लिए लोकेशन या लोकेशन किस तरह की होनी चाहिए? ज़ाहिर बात है मार्केट में हो तो ये फिर कारोबार चलता है, अगर मार्केट से हाथ करेंगे काम तो कस्टमर को नहीं पता, क्योंकि अगर मार्केट में आएगा कस्टमर देखेगा मुख्तलिफ कंपनियाँ पसंद भी करता है ब्रांड, कस्टमर आजकल ब्रांड ही इस्तेमालता है। जी बिल्कुल ठीक है, और आप हम बताएं कि इसकी आपकी फाइबर जो शॉप है इसमें आपकी बुनियादी चीज़ कौन सी है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं? हमारे पास लेदर के शूज़ होते हैं, रियल लेदर तक काओ लेदर में शूज़ तैयार होते हैं, चप्पल, शूज़, सैंडल, कैजुअल और रोमन डिज़ाइन। ठीक है, और इसके अलावा मुख्तलिफ लेदर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि एनाकोडा स्नैक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ के लेदर का भी तैयार होता है, ऑस्ट्रिच लेदर का भी शूज़ हमारे पास तैयार होता है। अब हमारे पास नए डिज़ाइन भी आए हैं गोट लेदर के, वो अगर आप उधर कैमरा का लेके जाएंगे तो आपको वो दिखा देंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है हमारे पास। ठीक है, और पहले भी बताएं कि आपके पास किस तरह के लेदर्स हैं या ब्रांड्स हैं, कितनी कितनी क्वालिटी बढ़िया है, साइज़ के मतलब इस तरह से बारे में? हमारे पास एक ही ब्रांड होता है कंपनी का ही, ये ना सिर्फ अपना ही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी अपनी फैक्ट्री है, उधर ही सारा स्टॉक भी आता है। ठीक है, बहुत बेस्ट। तो ये और कंपनी नहीं इस्तेमाल करती, सिर्फ अपना ही नाम इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है, ये बेस्ट हो गया, लेकिन आप ये बताएं कि आपकी जो क्वालिटीज़ में ख़ास बात कौन सी है, आपकी क्वालिटी में जो बहुत ही अच्छी है या हाई क्वालिटी है जिसे अच्छा ब्रांड कह सकते हैं? क्वालिटी ये है कि हमारे पास रियल लेदर है, और ये काओ लेदर होता है, ये सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का अच्छा लेदर काओ लेदर ही है, तो ये काफ़ी देर बाद इस्तेमाल होता है, पॉलिश करते रहे इसके लेदर का ना बरकरार रहेगा, और सोल जो इसका है हमारे पास वो रबड़ का सोल होता है, ये अगर ना क्रैक होता है ना ये सोल फटता है, तो अच्छी क्वालिटी का ये शूज़ है, ये अगर देर बाद चलने वाले सारा साल इस्तेमाल होते हैं शूज़। चले ठीक है, और आप बताएं कि अगर कोई जो हमारा व्यूअर है वो देखता है और इस वीडियो के थ्रू आता है आपके पास या कुछ आपसे क्वेश्चन करता है यार हम ये काम को शुरू करने हैं, तो उसके लिए कुछ आप राय देंगे उनको? जी जाहिर बात है, अगर कस्टमर के जो भी है भाई से अपना ये शूज़ का कारोबार करना चाह रहा है तो मैं कहूँगा ये बेस्ट कारोबार है और इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी सारा है। ठीक है नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।